हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज का विशेषांक कुंडली का दूसरा भाग। लेकिन नागराज ऐसी कई मुसीबतों के लिए खुद ही भयंकर खतरा बन चुका था। इस बार तांत्रिक प्राणी के बजाय मशीनी रोबोट मेरा रास्ता रोकने आया है। इस पर विषैली शक्तियां तो असर नहीं करेंगी, लेकिन इसके पुर्जों को ध्वंसक सर्प अलग अलग कर सकते हैं कर देंगे। लेकिन ओह, ध्वंसक सर्पों को बीच में ही छेद दिया गया। लेकिन मैंने ऐसे बहुत मशीनी खिलौने तोड़े हैं, इसको भी तोड़ डालूंगा। सिर्फ इसका ध्यान बटाना पड़ेगा। सर्पों ने जमीन को खोद डाला और रोबोट का वजन खुद ही जमीन संभाल नहीं पाई। और इससे पहले कि रोबोट संभल कर उठ पाता, नागराज का व्यवहार उसकी खोपड़ी को तोड़ चुका था। यही वार था आपका मैडम। नागराज को इससे निपटने में सिर्फ 3.78 सेकेंड लगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है लेबेली। तुम अभी अपना मुंह बंद रखो और आंखें खुली। खेल वाकई अभी शुरू हुआ था। ओ, इसके टूटे सिर के अंदर कोई यंत्र ऊर्जा बाहर निकलकर मेरे हाथ को लपेट रही है और मेरा हाथ पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ होता जा रहा है। मैं अपना हाथ हिला नहीं पा रहा हूँ। पत्थर खासा सख्त हो गया है मेरा हाथ, और ये रोबोट फिर से मुझे कुचलने के लिए तैयार हो गया है। अभी तक तो ये शक्ति परीक्षण था, अब तू देखेगा बराहर की असली शक्ति। अगले ही पल नागराज के शरीर में पीड़ा की तेज लहर दौड़ती चली गई। उसे जमीन के साथ चिपका दिया गया था। आह, अगर मैं इसकी दुम तोड़ने की कोशिश करूंगा तो इसके शरीर के अंदर भरी तंत्र ऊर्जा फिर मुझसे अटक रहेगी और मैं पूरा पत्थर का सा बन जाऊंगा। दर्द बहुत तेज है। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, और अब फिर से तांत्रिक ऊर्जा मेरी तरफ लपक रही है। अब क्या करूं मैं इससे बचने के लिए? नागराज पर हमला होने के कारण यह था। भारती कम्युनिकेशंस का ऑफिस। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। इस वक्त नागराज मेरा रास्ता रोकने नहीं आ सकता। भारती भी न जाने कहाँ पर है। मैं आराम से अपना काम करके चुपचाप सरक लूंगी। ये रहा भारती का कमरा। ताला बगैर किसी प्रतिरोध के खुल गया। कागजों में छानबीन करना बेकार है। जो कुछ भी जानकारी भारती के पास होगी वो उसके पर्सनल कंप्यूटर में भरी होगी। पोलका, हमको कंप्यूटर से जानकारी निकालनी होगी, और मुझको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। घबराओ मत, हम आपस में तंद्रमुंड की शक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं। जो तुम देख रही हो वही मैं भी देख रही हूँ। मैं तुमको बताती जाती हूँ और तुम बस बटनों को दबाती जाओ, ठीक है ना गीना? हाँ पोलका। नागराज भारती कम्युनिकेशन से बहुत दूर था। ओह, ये तंत्र किरणें, कैसे रोकूं इनको? यस, रोक लूंगा मैं इनको। सर्पों द्वारा खोदी गई मिट्टी का ढेर हवा में उड़कर नागराज और तंत्र किरणों के बीच में आ गया। धूल के गुबार ने नागराज को भी वराहर की नजरों से छुपा लिया, और नागराज को आजाद होकर वार करने का मौका मिल गया। अब मैं इसको तोड़ने की गलती नहीं करूंगा। इस मशीनी मौत को निष्क्रिय करने का एक आसान सा तरीका है, और वह ये कि इसको असंतुलित करके स्विमिंग पूल में गिरा दिया जाए, ताकि पानी इसके शरीर के अंदर घुसकर इसके नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को नष्ट कर दे। ओह, भारती के ऑफिस में तैनात जासूस सर खतरे के संकेत भेज रहा है। मुझे तुरंत वहां पर पहुंचना होगा। वैसे भी पानी ने इस वराहर के सर्किटों को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अरे, मुझे पानी की तरफ कौन खींच रहा है? आह, वराहर के मशीनी पुर्जे तो नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। एक ही कारण हो सकता है इसका, और वह ये कि इसको अब तंत्र ऊर्जा चला रही है, और तंत्र ऊर्जा से निपटने का तरीका मेरे पास नहीं है। वैसे भी ये तंत्र ऊर्जा मेरा शरीर जड़ करती जा रही है। पहले बायां हाथ जड़ हुआ था, और अब दायां पैर हरकत करना बंद कर रहा है। अब भारती कम्युनिकेशंस पहुंचना तो क्या, स्विमिंग पूल से निकल पाना तक मुश्किल लग रहा है। भारती कम्युनिकेशंस की मैनेजिंग डायरेक्टर भारती के ऑफिस में। मुझे तो नागराज से संबंधित कोई जानकारी नजर नहीं आ रही है पोलका। ऐसी जानकारियां गुप्त फाइलों में होती है नगीना। हमको कोड वर्ड ढूंढना होगा। वैसे ये काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तभी आ नागराज का सर यहाँ पर भी मौजूद है। मुझको अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। नागराज के सर को भी तो पता चलेगी उसकी हत्यारे नाकर है कौन। ले दुष्ट, चख नगीना को काटने का मजा। तूने नाक सम्राज्ञी को दसने की जरूरत की है, इसलिए तेरी मौत दूसरे सांपों के लिए एक सबक होनी चाहिए। बस करो नगीना, समय खराब मत करो। कोई भी कभी भी यहाँ आकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। पानी फेरने का काम सिर्फ नागराज कर सकता है, और वह कहीं और मौत से जूझ रहा है। हमारे पास समय ही समय है पोलका। घबराओ मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। इसी वक्त मैं पार्टी पॉइंट रेस्टोरेंट से ही उसका पीछा करती आ रही हूँ, और इस वक्त चपरासी के अनुसार अब भारती मैडम के केबिन की तरफ गई है। जरूर कुछ दाल में काला, मेरा शक गलत नहीं सही है। नागराज चिंतित था। ओह, जासूस सर के संकेत आने एकाएक बंद हो गए। ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा सर संकेत भेजने के काबिल ही ना रहे, यानी खतरा बड़ा है और मैं उस खतरे को रोकने के लिए वहां पहुंच ही नहीं सकता।
पानी के अंदर दम घुट रहा है और मेरा सिर्फ एक हाथ और एक पैर ही काम कर रहा है। इस तांत्रिक प्राणी वराहर के शिकंजे से छूटूं तो कैसे? वह ढक्कन, इस ढक्कन को हटा दे, स्विमिंग पूल का पानी तेजी से इस रास्ते से बाहर निकलेगा और अपने साथ पानी में मौजूद हर चीज को भी इस छेद की तरफ खींचेगा, मुझे और वराहर को भी। मैं तो सतर्क रहूंगा लेकिन वराहर का ध्यान जरूर पड़ जाएगा और मुझको आजाद होकर बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। आह, ये तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। धनसक सर्विस को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं लेकिन तांत्रिक किरणें उनको पहले से ही जड़ कर दे रही हैं। इस प्राणी का रोबोटिक शरीर ही तांत्रिक ऊर्जा को भरे रखने वाला बर्तन है। अगर ये टीन का डिब्बा टूट सके तो तांत्रिक ऊर्जा भी बिखर जाएगी और तांत्रिक प्रभाव खत्म होने से मैं भी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन धनसक सर्विस तक मैं पहुंचाऊं कैसे? उफ, फिर से शिकंजे में जकड़ा गया मैं। मुझे बचना होगा, इस प्राणी की नजरों से दूर जाना होगा। फिलहाल ये गड्ढा ही सबसे बढ़िया जगह है जिसमें मैंने वराहर को गिराया था। लेकिन नागराज बच नहीं सका, वराहर के शिकंजे ने उसको गड्ढे से खींच निकाला और नागराज का पूरा शरीर तांत्रिक किरणों से घिर कर जड़ हो गया। देखा अली वैली, जीत आखिरकार पोलका की हुई ना, तू तो नागराज को विजेता बना रहा था। अब वराहर तोड़ डाल इसके पत्थर जैसे सख्त और भंगुर हो चुके शरीर को। वराहर का भावली शिकंजा नागराज के सख्त शरीर पर कसने लगा और एकाएक ये क्या हुआ? धमाका कैसे हो गया? वराह और नागराज दोनों के ही चीथड़े उड़ गए और साथ ही साथ तांत्रिक ऊर्जा भी वातावरण विलीन हो गई है। सुन रही है ना नागीना? हाँ पोलका, चिथड़े नागराज के नहीं उड़े थे। आह, तंत्र प्रभाव खत्म होने से मेरा शरीर भी सामान्य हो गया है। वराहर के मशीनी खोल को तोड़ने के लिए मुझे धनसक सर्व को बिना जड़ हुए इसके शरीर के पास तक पहुंचाना था और ये काम मैंने गड्ढे में छुपने के बाद कैंचली उतार कर उसमें फटाफट धनसक सर्व को भरकर किया। तंत्र गणों ने सिर्फ मेरी कैंचली को सख्त किया और धनसक सर्पों के गैंग ने वराहर के चीथड़ उड़ा दिए। नगीना सफलता के मुकाम पर खड़ी थी। आहा, मिल गई मुझको फाइल। इसमें नागराज के अभी तक के जीवन की सारी महत्वपूर्ण तिथियां मौजूद हैं। सबसे पहली तिथि जरूर नागराज के जन्म की तिथि होगी। हा, ये रही नागराज की तिथि पढ़ पाने से पहले ही। अरे स्क्रीन टूट गई, किसने तोड़ा मॉनिटर? मैंने दुष्टा, मैं तो तेरी असलियत पहले ही मुलाकात में जान गई थी लेकिन तू ये नहीं जानती थी कि मैं जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। तू मेरी असलियत जान गई, तुझे मरना होगा, मरना ही होगा। मारेगी तो तब ना जब मुझे देख पाएगी। ले, मैंने लाइट बंद कर दी। मैं तो अंधेरे में देख सकने का अभ्यास बरसों तक किया हुआ है पर तूने नहीं। दोनों खूंखार बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। लड़ाई का अंत क्या होता यह कह पाना मुश्किल था क्योंकि लड़ाई का अंत हुआ ही नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? नागराज, ये तो नागराज है, ये तो मर गया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? ये कहाँ से आ गया? उफ, अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लाइट जलाता हूँ। अरे ठहर, तो कमीनी कहाँ भाग रही है? तेरी मौत बनकर वापिस आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना मकसद हल करना है जो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, उसको कहीं और से हासिल करना है। लाइट जली और उसी पल आह कूद गई टूटी खिड़की से नीचे। निशा, तुम? क्या हो रहा था यहाँ पर? कौन कूद गई नीचे? नगीना उर्फ सनोबर। अगर तुम्हारे मुंह से नगीना का हुलिया सुन ना रखा होता तो मैं उसे पहचान भी ना पाती। नीचे कोई नजर नहीं आ रहा, कूद कर बचने का काम नगीना आसानी से कर सकती है, लेकिन तुमको ये कैसे पता चला कि सनोबर नगीना है? गोर सर्व से तुम्हारी लड़ाई के दौरान उसका एक ही घटना स्थल पर एकाएक घटना स्थल पर आ जाना ही मुझको शक में डाल गया था। फिर इसका तुमको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाकर भविष्यवाणियां करना भी कुछ अजीब सा था। रही सही कसर वराहर ने पूरी कर दी। तब मैंने सनोवर को घटना स्थल से भागते देखा तो मैं भी इसके पीछे लग गई। वह सीधे भारतीय कम्युनिकेशंस में पहुंची। मैंने थोड़ी देर तक बाहर इंतजार किया ताकि इसको वह काम शुरू करने का मौका दे दूं जिसके लिए वह आई है और फिर इसको रंगे हाथे पकड़ सकूं। जब मैं ऑफिस की बिल्डिंग में घुसी तो पता चला कि वह भारतीय मैडम के रूम की तरफ गई है। बस फिर क्या था, मैं भी यहाँ आ पहुंची और नगीना को धर दबोचा। उस वक्त वह नगीना के रूप में थी लेकिन उसने जो बातें कही उससे स्पष्ट हो गया कि वह पहले सरोवर के रूप में थी, जैसे कि वह मुझे पहचान गई और अपना रहस्य खुलने की बात भी कही। लेकिन तुमने अपने कपड़े कब बदले? ये कपड़े तो मैं ऑफिस में ही रखती हूँ क्योंकि मुझको यहीं से सीधे अपनी जूडो कराटे की क्लास में जाना पड़ता है। मुझको लड़ाई होने की पूरी आशंका थी इसलिए मैं अपनी फाइटिंग ड्रेस पहनकर ही मैडम भारती के रूम में आई थी। ये तो समझा, लेकिन नगीना यहाँ पर क्या देखने आई थी? क्या ढूंढ रही थी वे? तुम्हारी फाइल खोलकर उसमें तुम्हारे जीवन की महत्वपूर्ण तिथियां देख रही थी और कुछ जन्म कुंडली जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी, पर मैंने उसको तुम्हारी तिथियां देखने नहीं दी। राज भी मुझको बता रहा था कि सनोवर बार बार उससे मेरी जन्म कुंडली लाने की जिद कर रहा था,
इससे तो ये बात साबित हो जाती है कि सनोवर ही नगीना है, लेकिन मेरी जन्म कुंडली से नगीना को क्या काम आ पड़ा। शर्त लगा लो, जो काम होगा वो कम से कम अच्छा तो नहीं होगा, नहीं होगा। वह आते जाते कहीं और से तुम्हारी कुंडली हासिल करने की धमकी दे गई है। यहाँ के अलावा ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर नगीना को तुम्हारी कुंडली, जन्म कुंडली मिल सके? है एक ऐसी जगह निशा, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि सनोवर उस नगीना वहीं पर गई होगी। कहाँ पर? नागराज, भारती के घर, भारती के दादा वेदाचार्य के पास। उनके पास मेरी जन्म कुंडली बनी रखी है, और इस वक्त उनसे कुंडली हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि भारती के गायब हो जाने के बाद वे शोक में डूब गए हैं। मुझको तुरंत वहां पहुंचना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी नागराज, मुझे ये न्यूज़ पूरी तरह से कवर करनी है ताकि मैं इस न्यूज़ को विस्तार से लिख सकूं। ठीक है निशा। वेदाचार्य के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, भारती की खोज। उफ, मैं भारती का पता क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। नागराज भी अभी तक कोई खबर नहीं ला पाया। उसकी जन्म कुंडली के अनुसार तो उसको इस वक्त हिंदुस्तान में ही होना चाहिए, लेकिन सारे सूत्र इशारा कर रहे हैं कि वो भारती कि भारती हिंदुस्तान की सीमा में नहीं है। तुम कहाँ हो भारती, कहाँ हो? उफ, कोई घंटी बजा रहा है, मैं बाद में ध्यान लगाऊंगा। कौन हो तुम? जो भी हो चले आओ, चले जाओ, भारती घर पर नहीं है। मुझे आपसे ही काम है, लेकिन ये मकान मुझे घुसने ही नहीं दे रहा है। तुम तो स्त्री हो, कौन हो तुम और क्या काम है तुमको मुझसे? मेरा नाम सनोबर है, और मैं आपको बता सकती हूँ कि भारती जी कहाँ है। सच? तुम अंदर आओ, मैं सारे अवरोध हटा रहा हूँ, सीधे अंदर चली आओ। वेदाचार्य भारती के बारे में जानने के लिए इतने उतावले हो गए थे कि वे सारी सावधानियां भूल गए थे। सनोबर ने उनकी कमजोरी को भांप लिया था। सनोबर को अंदर पहुंचने में देर नहीं लगी। आओ, तुमको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसे जानती हो तुम भारती को? कहाँ पर है इस वक्त मेरी पोती? बता दूंगी, लेकिन इतना बड़ा राज बताने के लिए मुझे क्या मिलेगा? ओ, तुम सूचना को बेचने आई हो, समझा। बोलो क्या चाहती हो तुम? नागराज की जन्म कुंडली जो तुम्हारे पास है बुड्ढे। नागराज की जन्म कुंडली? उससे भला तुमको क्या काम है? मुझे आभास हो रहा है कि तुम नागराज की दुश्मन हो। अपनी पोती को बचाने के लिए मैं नागराज को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, फिर तू अपनी पोती के क्रियाक्रम की तैयारियां कर ले, और नागराज को भेज देना उसकी लाश लाने के लिए। मैं चलती हूँ। नागराज अपना बचाव कर सकता है, लेकिन भारती के पास इतनी शक्ति नहीं है। मुझे ये मौका गंवाना नहीं है, वरना शायद फिर कभी भी भारती का पता नहीं चलेगा। भारती को बचाने के लिए मुझे नागराज को दांव पर लगाना ही होगा। फिर नागराज को बचाने के लिए मैं अपनी जान को दांव पर लगा दूंगा। वाह, ठहरो, मैं देता हूं तुमको नागराज की जन्म कुंडली, ये लो। वाह, तू तो बड़े आराम से मान गया बुड्ढे। ला, मैंने नागराज के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देखी हुई हैं। उससे मुझको पता चल जाएगा कि ये कुंडली असली है या नकली। तूने मुझे नकली कुंडली दे दी अंधे, मेरे साथ चाल चल रहा है तू? ओह, इसने तो मेरी चालाकी पकड़ ली। ठहरो ठहरो, अंधेरे अंधों से गलती होना तो आम बात है। लो, ये है असली जन्म कुंडली, पर पहले भारती का पता बताओ। रुकिए दादाजी, इसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। निशा और नागराज, तो तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? इस दुनिया में एक तू ही समझदार नहीं है नगीना। ये नगीना है। हे भगवान, मैं किसके हाथ में नागराज की कुंडली सौंपने जा रहा था? इसको भागने मत देना नागराज। ये कह रही थी कि ये भारती का पता जानती है, इससे भारती का पता उगलवा कर ही रहना। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं जाऊंगी और नागराज की जन्म कुंडली लेकर जाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि सनोवर कुंडली पर नजर भी डाल पाती, कुंडली एक बार फिर उसकी पहुंच से दूर हो चुकी थी। दादाजी, नागराज, आप दोनों इसको रोकिए, तब तक मैं इस कागज के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। शाबाश निशा, मैं तो ऐसी कुंडली और बना लूंगा, लेकिन नगीना के हाथ ये कुंडली नहीं लगनी चाहिए। लेकिन नगीना को मैं बगैर भारती का पता जाने भागने भी नहीं दूंगा। नगीना के नाम से मैं एक तिलिस्मी यंत्र को सिद्ध करके नगीना को बांध लूंगा। वेदाचार्य ने रुद्राक्ष की उस माला को नगीना के नाम से सिद्ध करके हवा में उछाल दिया, और उस तिलिस्मी माला ने नगीना को बांध दिया। ये क्या? ये माला तो नगीना के लिए थी। यानी तू है नगीना? हाँ, मैं हूं नगीना। अगर तू तिलिस्मी टांग बीच में ना अड़ाता तो मैं ये जन्म कुंडली लेकर जा चुकी होती। अब तू यहां से कहीं नहीं जाएगी नगीना। मुझे तो ले जाने वाले ही ले जाएंगे नागराज, और अब मुझे खुद यहां से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी जन्म कुंडली को मैं देख चुकी हूँ, और उसकी ग्रह स्थिति मेरे दिमाग में छप चुकी है। तुम्हारे लिए दुख की बात यह है नगीना कि दिमाग शरीर के अंदर ही रहता है और तेरा शरीर हमारी कैद में है, लेकिन असली निशा कहाँ है और सनोवर कौन है? निशा अपने घर में तंत्र निंद्रा में बेहोश पड़ी है, और सनोवर सनोवर है, एक ऐसी मामूली लड़की जो रिपोर्टर बनना चाहती है। पहले मैंने निशा को बेहोश किया, और फिर निशा का रूप धरकर घोड़ा सा घोड़ सर को विनाश फैलाने भेजा। मकसद तुमको बुलाकर तुम्हारा और अपना
आमना सामना करवाना था और यह पक्का करना था कि तुम मुझे निशा के रूप में पहचान पाते हो या नहीं। सनोवर का यहाँ आना, सनोवर का वहां पर आना संयोग मात्र था, लेकिन इस संयोग से मेरा काम बन गया। तुम्हारा ध्यान मुझसे हटकर सनोवर पर चला गया। अब मैं निश्चित होकर अपना प्लान बना सकती थी। काम भारती के ऑफिस की तलाशी लेना था, पर मुझको पता था कि तुम्हारे जासूस और वहां पर नजर रखते हैं, इसलिए तुमको वहां से दूर रखने के लिए वराहर को भेजा गया और मैंने एक बार फिर तुम्हारा शक सनोवर पर डालने की कोशिश की। वहां से मैं सीधी ऑफिस जा पहुंची। मेरा काम आराम से हो जाता, लेकिन न जाने कैसे ये सनोवर ड्रेस बदल कर वहां आ धमकी और मुझे नगीना के रूप में देख भी लिया। उसने मुझे रोकने की कोशिश तो भरपूर की, लेकिन तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से उसका ध्यान बट गया और उसी पर मैंने इसको सम्मोहित करके खिड़की से कुदा दिया और तंत्र कवच द्वारा अदृश्य करा दिया। तुम्हारी लाइट जलाने से पहले मैं निशा का रूप फिर से धारण कर चुकी थी। तुम्हारी कुंडली मेरे हाथों से फिसल चुकी थी और मुझको ये पता नहीं था कि अब मुझको तुम्हारी कुंडली कहाँ पर मिल सकती है। ये बात सिर्फ एक शख्स बता सकता था और वह तुम थे नागराज, तुम। मैंने तुमसे ही पूछा और तुमने वेदाचार्य के पास अपनी कुंडली होने की बात बता दी, लेकिन तुमको तो मुझसे खतरा था, फिर तुम मुझको अपने साथ क्यों रखे रही। मैंने तुमको साथ नहीं रखा बल्कि तुम्हारे साथ खुद लगी रही। तुम तो अकेले यहाँ पर आ रहे थे और अगर तुम ऐसा करते तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाता। सनोवर पहले से ही मेरे सम्मान के नियंत्रण में थी, उसको मैंने आदेश देकर यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर उसने जो कुछ किया सब मेरी इच्छा से किया, वह अभी तक मेरे सम्मान के नियंत्रण में ही है। उसको तो मैं आजाद करा दूंगा नगीना, लेकिन तुम कैसे आजाद होगी। नगीना को आजाद मैं करूंगा, ऐसे। अरे, ऐसा लगा जैसे टेबल ने आगे बढ़कर नगीना के तिलिस्म बंधन काट दिए। तेरी सहायता के लिए मैंने अपने आदमी भेज दिया है नगीना, अब तुझे मैं बुला रही हूँ। मैं आती हूँ, अभी हमको काफी तैयारी करनी है। नगीना भाग रही, उसे रोकना होगा। नगीना को जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको रोकने वाले को रोकेगा किरागेट, जो हर माहौल में उसी माहौल का हिस्सा बनकर ऐसे घुल मिल जाता है कि उसको कोई देख नहीं सकता। आह, हमको सावधान रहना होगा। इसमें वैसी ही तंत्र शक्तियां हैं जैसे बाराहार में थी, बस ये पता नहीं कि इस तंत्र शक्ति का हम पर असर क्या होगा। चिंता मत करो नागराज, ये तांत्रिक प्राणी हो या जादुई प्राणी, मेरा तिलिस्म इसको ढूंढ भी निकालेगा और उसको नष्ट भी कर देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज के विशेषांक कुंडली के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।